तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे और आपके चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ के बारे में कुछ रोचक बातें। तो चंडीगढ़ का एरिया क्षेत्रफल 114 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की आबादी 11,47,000 है। चंडीगढ़ भारत के दो राज्यों की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर वन है। चंडीगढ़ भारत का पहला सुनियोजित शहर है। इसकी योजना एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूजिए ने बनाई थी। चंडीगढ़ के नाम का अर्थ चंडी का किला है। यह चंडी माता का प्रसिद्ध मंदिर है जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट प्लेस में से एक है। उन्हीं के नाम पर चंडीगढ़ का नामकरण हुआ है। पहले पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर थी। आज़ादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बना दिया गया। अधिकांश चंडीगढ़ में बरगद के पेड़ और यूकेलिप्टस के बगीचों से भरा हुआ है चंडीगढ़। यहाँ की सुखना झील सबसे सुंदर झीलों में से एक है। यह 3 किलोमीटर लंबी है और मानव निर्मित है, यानी मानव द्वारा बनाई गई है, कोई कुदरत द्वारा नहीं बनी है झील। रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद्र जी ने करवाया था। यह कचरे के प्रयोग से बना है जो पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। रोज़ गार्डन का पूरा नाम जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा पुष्प उद्यान है। यहाँ पर गुलाब के पौधों की 1,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चंडीगढ़ में कोई भी 13 सेक्टर नहीं है क्योंकि संख्या 13 को अशुभ माना जाता है, इसलिए वह 13 सेक्टर नहीं है। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सपनों का शहर है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।